नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो चलिए मैं उस वीडियो के बारे में आपको बता दूँ कि उस वीडियो में है क्या और सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में है UMT का एक अपडेट देने वाला हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था OFP फाइल को कैसे स्ट्रैक करें। OFP फाइल को मिरेकल से हमने बताया था कि मिरेकल से कैसे स्ट्रैक करते हैं फ्रेंड्स, तो सारी चीज़ें हमने बताई हुई थी। तो मैं आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मवेयर है, जो कि ये फॉर्मवेयर है OPPO A3S का है। मैं आपको बता दूँ OPPO A3S जो कि मिरेकल में नहीं हो रहा था, जो कि और भी बड़े बड़े सेट थे वो मिरेकल में नहीं हो रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास कि सर कुछ फ़ोन तो हो रहे हैं मिरेकल में, बट और जो लेटेस्ट फ़ोन है और जो ऊँचे फ़ोन हैं वो फ़ोन स्ट्रैक नहीं हो रहे हैं, बंद हो जा रहा है, तो ऐसा कमेंट्स आता था। बट ये मैं आज एक प्रैक्टिकल फिर से, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स वो प्रैक्टिकल ही रहता है, बट मैं आपको फिर से चलिए बताता हूँ कि आपको UMT वालों ने एक अपडेट दिया है कि आप उसमें भी स्ट्रैक कर सकते हैं। अब 5.9 में आप उसे स्ट्रैक कर सकते हैं, तो मैं आज आपको वही चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं OPPO A3S का ये हमारा फॉर्मवेयर है, जो कि हमने इसको स्ट्रैक कर लिया है, और ये देखिए OFP फाइल है हमारी जो कि A3S है और मिरेकल से शायद नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स, कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स को दिक्कतें हो रही थी, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको अब दिखा दूँ कि हम इसे UMT से प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो चलिए हम UMT का QC फायर खोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये QC फायर में इन्होंने अपडेट दिया है, इन्होंने अल्टीमेट मल्टी टूल में नहीं दिया है, इन्होंने QC फायर में दिया हुआ है फ्रेंड। तो हम QC फायर को ओपन कर लेते हैं और ये QC फायर का वर्ज़न मैं आपको दिखा दूंगा कि किस वर्ज़न में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिल जाएगी, एक तो UMT का अपडेट्स जो आया हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा नहीं, मैंने हर एक वीडियो में आप देखे होंगे कि UMT इज़ द बेस्ट डोंगल सॉफ्टवेयर के लिए। UMT आपको एक रखना ही रखना होगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो हमारे ये ओपन हो रहा है, जैसे ही हमारा ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स उसे हम आपको इजीली करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा UMT जो है वो ओपन हो चुका है। अब इसे आप देख सकते हैं ये हमारा QC फायर का 5.9 वर्जन चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये बहुत सारे अपडेट्स देते रहता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा डोंगल सही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में, लास्ट कॉर्नर पे है फॉर्मवेयर स्ट्रैक, आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मवेयर स्ट्रैक। आप यहाँ पे आप APP फाइल को भी स्ट्रैक कर सकते हो और आप OFP फाइल को भी स्ट्रैक कर सकते हो। तो APP फाइल को भी स्ट्रैक करना और OFP फाइल को भी स्ट्रैक करना, दोनों चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है फ्रेंड्स, दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं फ्रेंड्स। तो मैं ये आपको प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ। तो जहाँ पे हमारी फ़ाइल है हम वहाँ पे फाइल पे जाते हैं फ्रेंड्स। हमारी फ़ाइल है जहाँ पे हमारी फ़ाइल है स्टॉक रूम और ओप्पो में जाते हैं फ्रेंड्स, और हमारा ये 3S और हमारा ये फॉर्मवेयर और हमारी ये OFP फाइल, और हम इसे फाइल को लोड कर दिए। अगर ये नहीं काम करेगा तो कोई एरर आ जाएगा, अगर ये काम करता है फ्रेंड तो ये अपना स्ट्रैक प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम यहाँ पे स्ट्रैक पे क्लिक कर देते हैं। स्ट्रैक पे, जैसे हमने स्ट्रैक पे क्लिक कर दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑपरेशन डन हो गया है। चेकिंग फॉर्मवेयर, ये हमारी सारी चीज़ें फाइल, मतलब 100% ये हमारा डन हो गया फ्रेंड्स, 100% हमारा स्ट्रैक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सिस्टम की फाइल वहाँ पे ट्रैक हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे। फ्रेंड्स कोई भी फेक वीडियो नहीं बनता है हमारे चैनल में, जो भी हमारे चैनल में वीडियो बनता है वो जेन्युइन होता है, सारी चीज़ें आपके सामने ही दिख रही है। फ्रेंड्स सिस्टम की फाइल जो होती है वो स्ट्रैक हो रही है, तो इसमें सारी फाइलें आपको मिल जाती है फ्रेंड्स। और ये कई लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर ये हमारा काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने लाइव ही हम फाइलों को स्ट्रैक कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपके सामने ही कर रहे हैं, कोई भी स्किप वीडियो नहीं कर रहे हैं। सब कुछ यहाँ पे वेंडर जो कि सिस्टम वेंडर और यूज़र डाटा, ये मेन फाइलें होती हैं, आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स, वेंडर की फाइल और सिस्टम की फाइल ये मेन फाइलें होती हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता ही है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे और सारी चीज़ें यहाँ पे स्ट्रैक हो रही हैं, और बहुत ही इजली तरीके से ये स्ट्रैक हो जाएगी और हम आपको सारा चीज़ करके दिखाने वाले हैं। अब देखिए यूज़र डाटा, यूज़र डाटा क्या होता है कि आपके पास जैसे पैटर्न वगैरह कुछ भी डाटा लगा होता है, तो इसे भी फ्लैश करने से क्या होता है, यूज़र डाटा आपका सारा डिलीट हो जाता है। आप यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से, हम कोई भी वीडियो स्किप नहीं कर रहे हैं, सिस्टम वेंडर और यूज़र डाटा ये तीन मेन फाइलें होती हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो ये तीन मेन फाइलें होती हैं, यूज़र डाटा वेंडर और सिस्टम की फाइल, ये तीनों के तीनों प्रोग्रामिंग फाइल होती हैं, जो कि बहुत ही आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सारी चीज़ें। मैं कोई भी वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस दिख रहा है, क्योंकि मैं स्किप करके वीडियो और आगे आपको बढ़ा दूंगा तो फिर आप फिर से कमेंट करेंगे यार ये तो फेक है, ऐसा है, तो इसलिए हमने फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी फेक वीडियो नहीं डाला है, आपके सामने जो भी वीडियो है जेन्युइन वीडियो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, जिससे कि आपको सारा चीज़ यहाँ पे पता चलेगा कि एक्चुअल में ये हमारा वर्क कर रहा है, एक्चुअल में हमारी सारी फाइलें स्ट्रैक हुई कि नहीं हुई फ्रेंड्स। तो ये हम आपको लाइव ही करके दिखा रहे हैं, तो चलिए बस कुछ ही मिनट में ये हमारा सारा प्रोसेस स्ट्रैक हो जाएगा, और जैसे ही हो जाएगा मैं आपको उस फाइल में ले जा करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में हमारी फ़ाइल स्ट्रैक हुई कि नहीं हुई फ्रेंड, कि क्या ये प्रोसेस फेक है या सही है। अगर ये सही लगेगा तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए अब आपको बस थोड़ी सी देर में हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट भी हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रैक स्ट्रैक ऑपरेशन फिनिश्ड हो चुका है फ्रेंड्स, हमारा ऑपरेशन हमारा फिनिश्ड हो चुका है, तो हम इसे मिनिमाइज़ कर लेंगे, और मिनिमाइज़ करने के बाद जहाँ पर हमारी वो फाइल थी हम उस फाइल में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमारी वो फाइल थी फ्रेंड्स, और उस फाइल में आप देखेंगे एक्सट्रैक्ट का एक फोल्डर ही बना हुआ है, और जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने लाइव यहाँ पे रॉ प्रोग्रामर और यहाँ पे फायर एस डॉट एम्बियन फाइल, यहाँ पे आपको लोडर भी मिल गया है और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई है। तो ये देखिए बूट कैश और ये सिस्टम और सारी चीज़ यहाँ पे रॉ प्रोग्रामर, इसमें सारी फाइलें होती हैं सिस्टम, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी डाटा और यहाँ पे वेंडर, और ये बहुत ही ईजी तरीके से हमारा स्ट्रैक हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।